हर बार सैकड़ों देवी देवता यहाँ इनसे मिलने के लिए आते हैं, सारे लोग हजारों की संख्या में लोग मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अभी भी माधुरा जी का जो है वो फटी हुई स्लेटों के बीच वो बसर कर रहा है। मांग करना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी एक भव्य मंदिर, हमारे सब जगह है सभी देवताओं के भव्य मंदिर आज जो हर गांव में बने हैं जहाँ जहाँ जिनका निवास है, लेकिन ये मेरी एक मांग रहेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जितनी भी राज दरबार की यहाँ संपत्ति है, मैं चाहूँगा कि हमारी देव कमेटी और सरकार भी उसमें सहयोग करें, हम सब लोग सहयोग करें, राज माध्यम के नाम पे इस बात को करें, वरना मुश्किल और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको दूर से यहाँ माधुरा के दर्शन करने पड़े। वो जैसे रेलवे स्टेशन में बैठते हैं ना उसमें भिखारियों की तरह, उस तरीके से जो है वो उसमें जो रघुनाथ का पत्थर जिसको हम कहते हैं पत्थर जो है रघुनाथ का पत्थर है, रघुनाथ जी के नाम का पत्थर है, वहाँ पर उस तरीके से बैठते हैं। देवता किनारे हैं लेकिन बीच का जो परिसर राजनीतिक तौर पे और जो व्यापारिक दृष्टि से उसको उसपे कब्जा किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कम आधा हिस्सा 50% जो इस तरफ का हिस्सा हमारा बस स्टैंड की तरफ का हिस्सा है, आधा हिस्सा जो है देव समाज के लिए दिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में बहुत मुझे लगता है कि यदि संचालन ठीक नहीं होगा तो शिवरात्रि हमारी जो है वो कभी भी जो है शिवरात्रि में विघ्न पड़ सकता है। देव सदन बन गया, देवतों को ठहरने की वहाँ कहीं जाकर समझो कोई ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। किसी जमाने में झील पराशर जो है वो जलमग्न हो गई थी, बिल्कुल डूब गई थी एक समय जो है वो, उसका इतिहास अभी तक भी है। उसमें कहते हैं कि राक्षस द्वारा उसमें कोई हड्डियाँ है, कोई लकड़ी है, कोई पत्थर कंकरीट डालकर सारा जो वो मंदिर में उसमें पूरा वो दब मतलब पूरा जलमग्न हो गया था। लेकिन उसमें बहुत सारे देवता 18 कर्णी जिसको हम कहते हैं सारे इकट्ठे हुए और आखिर में हमारे देवता के गुर को जिसका नाम डुंगू सुनूरी को वाज डाली और वो खेलते खेलते वहाँ गया। और गणपति जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी दिघ्यारा जिसको हम धर्ज कहते हैं अपने उसमें जिसमें वो धूप देने का या जो पूजा अर्चना करने का जो धर्ज होती है उसके उसको जलते जलते जो है वो छलांग उसमें लगा दी। और लगाने के बाद वो 7 दिन के बाद उसे निकले और उसमें कई हड्डियाँ कोई पत्थर कोई कंकर उन्होंने निकाला। और 7 दिन के बाद जब घर पर उनका जो सातवा क्रियाकर्म होता है ना, क्रियाकर्म हमारा होता है 7वें दिन जो किया जा रहा था, तो तब मैं गुरु जी उसी पोजिशन में घर पहुंचे।